तो बिलाल भाई, अगर कोई नया बंदा आता है और वो एजुकेटेड होता है, उसको ओमान में जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या करे कि उसको जॉब मिल जाए यहाँ पे? यार ज्यादातर क्या होता है सल्तनत ओमान में, जितने भी नए आने वाले लोग हैं वो ये मेरी वीडियो देखें, यहाँ पर क्या होता है दो तरीके से जॉब होती है। एक तो ये होता है लेमैन जो होते हैं लेबर वगैरह, वो तो कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं कोई फैक्ट्री में, लेबर क्लास जैसे बिल्डिंग्स में आगे पीछे। लेकिन असल मसला होता है पढ़े लिखे लोग, और पढ़े लिखे भी कौन से, जो आम पढ़े लिखे लोग होते हैं, लाइक ग्रेजुएशन बीए किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है। अब ना तो वो लेबर की जॉब कर सकते हैं, ना उनको हाईफाई जॉब मिलती है। सो उसके लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा तरीका बता दूं जो मुझे अच्छा लगता है और जो कि यहाँ पर आजमूदा भी है, ये उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के काम आएगा जो देख रहे हैं मुझे। यहाँ पर आपने आके सबसे पहले तो अपने लाइसेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, थोड़ा आपके पास खर्चा होगा लेकिन लाइसेंस आपने फौरन से अपनी कहानी डाल देनी है। नंबर दो आपने क्या करना है, आपने अपनी एक सीवी बनवानी है और उसके इतने सारे प्रिंट ले लेने, देख रहे हैं कितने सारे प्रिंट हैं। प्रिंट लेके सीवीज के आपने जगह जगह पे जहां पर भी आप जा रहे हो, गुजर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपने वो सीवी फेंकते रहना और जाके लोगों से बात करनी है, स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, मॉल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, छोटे ऑफिस वगैरह के अंदर। सो वहां पर आपने छोटे ऑफिस वगैरह में जाके आपने बस आपने सीवी को देता रहना है और लोगों को जाके रिक्वेस्ट करनी है, भाई मैं इस तरह से आया हूँ और ये मेरी महारतें हैं और मैं ये कर लेता हूँ, आप मुझे जॉब पे रख लें। बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स मिलेंगे आपको, लेकिन एक्सेप्टेंस भी होगी 100% मेरी गारंटी अल्लाह पाक के हुक्म से। आपको अगर आप 50 जगह सीवी देते हो तो 4 से 5 जगह लोग आपको लाजमी बुलाएंगे। अच्छा, इस बीच आपने सोते नहीं रहना कमरे के अंदर, आपने कुछ ना कुछ स्किल सीखनी है। अगर आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं आता वो सीखें, अगर आपको ऑटोकैड वगैरह डिजाइनिंग की तरफ आपको जाना है वो सीखें, इसके बाद अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो ऑनलाइन चल रहे हैं आजकल जैसे अमेज़न की क्लासेस वगैरह इस तरह की वो सीखें, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें साथ साथ। क्योंकि लोग क्या होता है यहाँ पे आते हैं 3 महीने के वीजे पे, नॉर्मली आते रहते हैं, एक तो उनको पता नहीं होता नया नया शहर है कैसे जाएं, फिर टैक्सीज वगैरह एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बाहर निकलना गर्मी धूप में प्रॉब्लम है, आते हैं सोते हैं 3 महीने गुजारते हैं वापस चले जाते हैं, यार जॉब नहीं मिल रही। जॉब के लिए भाई या तो आपको रेफरेंस चाहिए, सीधी बात, मैं देखो आपको पता है अपन आगे पीछे वाली बात नहीं है चक्कर मक्कर, या तो रेफरेंस चाहिए कि कोई बंदा हो डायरेक्ट बुलाया डायरेक्ट आपको फिट कर दिया, या आपको स्ट्रगल चाहिए, स्ट्रगल भी मतलब सही वाली किस्म की स्ट्रगल। क्योंकि देखो आप जो कमाओगे वो आपके और आपकी फैमिली के लिए कमाओगे, आप किसी और के लिए नहीं कमाओगे, तो स्ट्रगल भी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, जैसे किसी को छोड़ दिया, किसी मॉल में छोड़ दिया, किसी ने ड्राइविंग की सपोर्ट दे दी, किसी ने कुछ सपोर्ट दे दी, वो उसको आप थैंक यू बोलें, लेकिन स्ट्रगल आपने खुद करना है। तो हिम्मत ना हारें, सीवी बनवाएं, इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू भी भेजें, हार्ड कॉपी भी जाएं दुकानों पे पूछें, उनसे लोगों से पूछें जिस तरह मैंने आपको तरीकाकार बताया, इंशाल्लाह आपको जॉब जरूर मिलेगी। ये मिड लेवल लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट और बीए वगैरह होते हैं प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं प्रोफेशनल डिग्री वालों के लिए बताऊंगा कि इंजीनियर, डॉक्टर्स और केमिकल इंजीनियर, स्पेशली पीडीओ के इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, जियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं और डॉक्टर्स वगैरह, उनके लिए क्या तरतीब बनती है यहाँ पर सल्तनत ओमान में। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।